आज मैं बनाने वाली हूँ गोभी के पराठे, जिसे देख के ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गोभी को कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में, ताकि ये घिसने में आसान हो। सारे गोभी को हम एक एक करके कद्दूकस करेंगे। सारे गोभी को मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई को गरम करके उसमें हम 3 बड़ी चम्मच तेल डाल देंगे। तेल गरम हो जाए, आधी छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, जीरा चटकने देंगे। उसके बाद हम डालेंगे लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट 3 बड़ी चम्मच। इसे डाल के हम इसके कच्चापन जाने तक थोड़ा पका लेंगे। जब ये पक जाए, इसमें हम मसाले डालेंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया डालेंगे, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे। सारे को हम चम्मच से चलाते हुए मसाले को अच्छी तरह पका लेंगे 3 से 4 मिनट। मसाले पक जाने के बाद कद्दूकस करा हुआ गोभी डालेंगे। सारे गोभी हम डाल देंगे और इसे हम चला के मिक्स कर लेंगे मसाले और गोभी को। मिक्स हो जाने के बाद स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद इसे चम्मच से चलाते हुए हाई फ्लेम पे पकाना है इसे। नमक डालने से इसमें पानी थोड़ा छोड़ेगा, इसलिए हम हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक इसे हम पकाएंगे। फिर हम लो फ्लेम करके इसको हम भूज लेंगे 2 से 3 मिनट। फिर इसमें हम धनिया पत्ता डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे, ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है, तब तक हम आटा गूंद लेते हैं। 1/2 kg के करीब मैंने यहाँ पे आटा लिया है। इसमें थोड़े थोड़े पानी डाल के आटा हम गूंद लेंगे। एकदम सॉफ्ट आटा गूंदेंगे, जैसे हम रोटी के लिए गूंदते हैं। यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया है। इसे हम 15 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। 15 मिनट बाद आटा एकदम सॉफ्ट हो चुका है और स्टफिंग भी हमारी रेडी है। चलिए इसे बनाते हैं। थोड़ा सा हम आटा ले लेंगे, जितना हम रोटी के लिए लेते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा। इसको हम गोल बना के और बीच में ऐसे राउंड सा कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे ये गोभी के मसाले। 2 बड़ी चम्मच में इसमें गोभी के मसाले डाल रही हूँ। इसको पूरे अच्छी तरह से भर लेना है। उसके बाद चारों तरफ से ऐसे गोल घुमाते हुए इसको हम बंद कर लेंगे। इसके बाद हम इसे बेलन की सहायता से बेलेंगे। इसे हम एकदम हल्के हाथों से बेलना है, रोटी बेलते हैं वैसे नहीं बेलना है। हल्के हाथों से आप बेलेंगे तो ये बिल्कुल नहीं फटेगा। देखिए, ये बिल्कुल नहीं फटा। तवा गरम करके उस पर डालेंगे हम। एक साइड हो जाए, दूसरे साइड पलट लेंगे। दूसरे साइड हो गया, इसको पलट के ऊपर से हम घी लगा लेंगे। आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं। एक साइड घी लगाने के बाद देखिए कितने अच्छे से ये फूल रहा है। दूसरे साइड पलट के दूसरे साइड भी हम घी लगा लेंगे चारों तरफ। गोभी का पराठा हमारा बिल्कुल रेडी है। आप सारे ऐसे ही बना लेंगे। आप इस तरह से गोभी पराठा बनाएंगे तो आपके पराठे बहुत ही टेस्टी बनेंगे।